डलिया वर्गा फुरके पोरा पोरा हो गया नी गाइस। जैसे कि अभी आपने प्रीव्यू में ये इंस्टाग्राम की वायरल रील देखी है गाइस, ये वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है। देन आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से इस रील वीडियो की एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर के आ गया हूं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टू गेट स्टार्ट वीडियो। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब मैंने अपनी फ़ोन की स्क्रीन को ओपन कर लिया है एंड इस वीडियो की एडिटिंग के लिए सबसे पहले एक VPN आपको प्ले स्टोर से आईफोन में ऐप स्टोर से डाउनलोड करके कनेक्ट कर लेना है। सो एडिटिंग के लिए अब आपको अपने फ़ोन के अंदर एक कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। ये ऐप आपको कहाँ पर मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। आईफोन में अगर आपको कैपकट ऐप को डाउनलोड करना है तो एडिटिंग के लिए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। कोई भी गाइज, यहाँ से आपको अपनी एक वीडियो ऐड कर लेनी है। सो एग्जाम्पल के लिए मैंने अपनी एक ये वीडियो ऐड कर लिया है। सबसे पहले कोई भी हम वीडियो को शूट करते हैं तो आउटडोर म्यूजिक आ जाता है, तो मैं इसको यहां से म्यूट कर लेता हूं। देन उसके बाद अब एडिटिंग के लिए हमें सबसे पहले अपनी वीडियो के अंदर कुछ स्प्लिट लगा लेने हैं। सो सबसे पहले हमें क्या क्या स्प्लिट लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमें जाना 3 सेकंड पर। ये देखिए 3 सेकंड पर हम आ चुके हैं और 3 सेकंड्स पर आने के बाद गाइस सिंपली वीडियो पर क्लिक करना है और स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद जो लास्ट वाला पार्ट बचा है इस पार्ट पर क्लिक करना है, एनिमे स्पीड पर क्लिक करना है, नॉर्मल पर क्लिक करना है, इसकी स्पीड कर देनी है 0.3x। ओके, देन राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद गाइस अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना गाइस सीधे 6 सेकंड पर। तो 4 सेकंड, 5 सेकंड और 6 सेकंड। 6 सेकंड पर हम जैसे आया वीडियो पर क्लिक किया, फिर से स्प्लिट कर दिया। अब ऐसे ही हमें जाना है 7 सेकंड पर। तो 7 सेकंड ये है, इसको दो फिंगर की मदद से जूम करेंगे तो 7 सेकंड के बाद हमें जाना है 15f पर। तो 5f, 10f, 15f और यहाँ पर आने के बाद सिंपली फिर से स्प्लिट कर देंगे। अब हमें जाना है 8 सेकंड पर, तो सिंपली 8 सेकंड पर आए और स्प्लिट कर दिया। अब उसके बाद मुझे को जाना है 9 सेकंड पर, तो 9 सेकंड और 9 सेकंड के बाद गाइज 15f, तो 5f, 10f, 15f सिंपली स्प्लिट कर दिया। अब उसके बाद गाइज वही हमको 10 सेकंड पर जाना है, तो 10 सेकंड पर आने के बाद फिर से स्प्लिट कर दिया। अब ऐसे ही हमें लास्ट में 10 सेकंड के बाद 25f पर, तो 5f, 10f, 15f, 20f, 25f और फिर से इसको यहाँ से स्प्लिट कर दिया। ऐसे ही वन ऑफ द लास्ट स्प्लिट हमें लगाना है 12 सेकंड पर। सो 12 सेकंड ये आ गया, इसको स्प्लिट कर दिया। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में आना है, ऐड ऑडियो पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस कोई भी हमको अपनी एक ऑडियो ऐड कर लेनी है। ओके, सो हमने एक ये ऑडियो ऐड कर ली है। ठीक है, ऑडियो ऐड करने के बाद जहाँ तक हमारी ऑडियो है, इस ऑडियो को लास्ट तक वीडियो पर क्लिक करना है, स्प्लिट कर देना है, लास्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद इस ऐप पर एक छोटा सा वाटर मार्क आएगा, इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। अब स्टार्टिंग में आना है, बैक आना है, इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर क्लिक करना है। मैं इसकी वॉल्यूम को कम कर लेता हूँ और हेलो ब्लर पर एक बार क्लिक कर देना है, एडजस्ट पर क्लिक करना है, इंटेंसिटी फुल और स्पीड 15। ओके, देन राइट पर क्लिक कर देना है और ये जो हेलो ब्लर हमें लगाना है ये लगाना है अपने सेकेंड वाले पार्ट तक। ओके, ऐसे ही हमें स्टार्टिंग में आना है और फिर से गाइस इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग और टू कलर, ठीक है, राइट पर क्लिक कर देना है। और इस टू कलर को भी गाइस हम जो लगाएंगे ये सेकंड वाले पार्ट तक ही लगाएंगे। ओके, अब स्टार्टिंग में आना है, फर्स्ट वाले पार्ट पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर क्लिक करना है और गाइस इसकी तो बिल्कुल ईजी एडिटिंग है और रोटेशन ओपनिंग पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इतना काम हमारा हो चुका है। अब जो गाइस देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये जो थर्ड पार्ट आया इस थर्ड पार्ट की स्टार्टिंग में आना है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आ गया हूँ। और अब वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद नाइट क्लब पर क्लिक करना है और फर्स्ट वाला स्प्लिट फ्लिकर पर क्लिक कर देना है, देन राइट पर क्लिक कर देना है। और इस स्प्लिट फ्लिकर को हम ओनली थर्ड वाले पार्ट तक ही लगाएंगे, उसकी एंड तक, जैसे कि आप देख रहे हैं। ओके, जैसे ये फोर्थ वाला पार्ट है, बीच में इस फोर्थ वाले पार्ट पर क्लिक करेंगे एनिमेशन पर और एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद रोक हॉरिजॉन्टल, देन राइट पर। उसके बाद गाइस ये जो 5 वाला पॉइंट है, इससे पहले जो माइनस है इस माइनस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद सुपर इम्पोज, देन राइट पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही गाइस नेक्स्ट वाले माइनस पर क्लिक करना है और सुपर इम्पोज, देन राइट पर क्लिक कर देना है। उससे नेक्स्ट वाला पार्ट जो आएगा इस पर क्लिक करना है एनिमेशन पर और यहाँ पर लगा देंगे रोक वर्टिकल, देन राइट पर। उसके बाद जो गाइस यहाँ माइनस का साइन आएगा इस पर क्लिक करना है, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पर आपको क्या लगाना है। ओके, ऐसी और जो लास्ट है इस पर क्लिक करके सुपर इम्पोज, यानी कि गाइस मैं आपको इसी तरीके से बता देता हूँ। देखिए यहाँ तक तो हमने अपना
लगा ही लिया जहाँ देखिए यहाँ कर यहाँ तक फ्लिकर तक। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला पार्ट आता है हमारा, इस पर हमें लगाया एनिमेशन, फिर सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज, फिर एनिमेशन, फिर सुपर इम्पोज, फिर सुपर इम्पोज, ओके। और लास्ट वाले पार्ट पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर क्लिक करना है। और एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से आप चाहो तो आउट का लगा लेना, नहीं तो गाइज ऐसी भी रहने देना, ओके। अब स्टार्टिंग में आना है, जो हमारी रील है वो प्रोफेशनल तरीके से बन चुकी है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसी एडिट हुआ है। सो आपने देखा सेम वही तरीके से प्रोफेशनल तरीके से हमारी जो रील है वो एडिट हो चुकी है। अब गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एरो पर क्लिक करना है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू ट्रेंड के साथ, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।